भारतीय संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में मतभेद और तकरार का होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों से विपक्षी सांसद और लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति दोनों के बीच में अगर तकरार बढ़ने लग गई है तो ये एक एबनॉर्मल बात है। अभी हाल ही में राज्यसभा में विपक्षी सांसद जगदीश धनखड़ जी, जो कि उपराष्ट्रपति के पद पर विराजमान है, उनको पद से हटाने की प्रक्रिया को शुरू करने जा रहे हैं और इस प्रकार से आज़ाद भारत में यह पहला मौका होगा जब किसी उपराष्ट्रपति को विपक्षी सांसद पद से हटाने की प्रक्रिया को शुरू करने जा रहे हैं। इस पूरे लेक्चर में हम वर्तमान घटनाक्रम को शॉर्ट में देखेंगे, साथ ही साथ हम उपराष्ट्रपति के पद के संबंध में भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उनको देखेंगे और पद से हटाने की प्रक्रिया अर्थात आर्टिकल 67B और इस पूरी प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम वर्तमान घटनाक्रम को देखें तो वर्तमान घटनाक्रम में अभी पिछले कुछ दिनों में आपने जगदीश धनखड़ जी और जया बच्चन जी के बीच के हॉट टॉक को तो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन पिछले कुछ समय में राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब वहाँ पर बोलने के लिए खड़े हुए थे तब उनका माइक बंद कर दिया जा, तो वहाँ से भी विपक्षी सांसद गुस्सा थे। इसके अलावा विपक्षी सांसदों का एक और आरोप है कि जब वे किसी मुद्दे पर राज्यसभा में डिस्कशन चाहते हैं तो राज्यसभा चेयरमैन उन्हें अपने चैम्बर में बुलाते हैं और फिर उसके बाद में उनको डिस्कशन के लिए सुनते हैं। तो सांसदों का ये भी आरोप था कि राज्यसभा का अगर हम किसी समस्या को राज्यसभा की समस्या को उठा रहे हैं तो राज्यसभा में ही उसे सुना जाना चाहिए, न कि उपराष्ट्रपति के चैम्बर में। इस प्रकार से कई सारे विवाद जुड़ते गए और विवाद इतना बढ़ गया कि अब विपक्षी सांसद उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की ही प्रक्रिया को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी के बारे में। जगदीश धनखड़ जी 2022 में उपराष्ट्रपति के पद पर विराजमान हुए थे, उसके पहले ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे थे, वहाँ पर भी ममता बनर्जी और इनके बीच में अनबन चलती रही थी। इनके पॉलिटिकल करियर पर बात करें तो जगदीश धनखड़ साहब जनता दल के मेंबर रहे शुरू में, फिर इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। ये चंद्रशेखर के मंत्रिमंडल में भी शामिल रहे थे और राजस्थान में विधानसभा के मेंबर भी रहे। पिछले साल जब राजस्थान में असेंबली का इलेक्शन हो रहा था तब भी जगदीश धनखड़ जी लगातार राजस्थान के दौरे कर रहे थे, तब भी विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को लेकर कुछ सवाल उठाए थे और तब से ही ये लगातार विवाद चल रहा था और अब ये विवाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। चलिए अब हम उपराष्ट्रपति पद के संबंध में भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसको हम डिटेल में देखते हैं, फिर हम एक एक स्टेप आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान में भाग 5 पार्ट 5 में उपराष्ट्रपति पद का जिक्र है और उपराष्ट्रपति पद के संबंध में आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 71 तक उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख मिलता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 63 की तो आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि भारत में उपराष्ट्रपति पद यूएसए के संविधान से प्रेरित होकर लिया था। जब हमारी संविधान सभा 1946 से लेकर 1949 तक डिस्कशन कर रही थी तब उपराष्ट्रपति पद का लगातार जिक्र हुआ था और ये जिक्र सामने तब आया था जब हमने भारत में बाइकैमरल पार्लियामेंट को अपनाया था और इस द्विसदनीय व्यवस्था जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा का अस्तित्व होता है उसमें राज्यसभा का सभापति कौन होगा उसके लिए भारतीय संविधान सभा ने उपराष्ट्रपति पद को चुना था। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में उपराष्ट्रपति सीनेट का अध्यक्ष होता है, लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस यह है कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं, जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 साल, अगर 1 साल में वो अपने पद से हट जाते हैं तो जो उपराष्ट्रपति होगा वो शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन जाएगा। क्लियर? ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति के संबंध में प्रावधान है। वहीं अगर हम भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति
अगर किसी कारणवश 5 साल के कार्यकाल के पहले हट जाते हैं तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति नहीं बनेगा, बल्कि वह केवल 6 महीने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। और कार्यवाहक राष्ट्रपति के दौरान जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा और राष्ट्रपति नया राष्ट्रपति चुना जाएगा तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति वापस से उपराष्ट्रपति के पद पर विराजमान हो जाएंगे। ये बात अलग है कि अगर उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति के चुनाव लड़ रहे हो तो फिर परमानेंट राष्ट्रपति के रूप में चुने भी जा सकते हैं, क्लियर। लेकिन हम पद पर रहते हुए बात कर रहे हैं तो ये केवल टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है भारत में, लेकिन वहाँ पर परमानेंट अरेंजमेंट हो जाता है शेष कार्यकाल के लिए। तो इसीलिए बोला जाता है अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बारे में कि आज वो भले ही कुछ ना हो लेकिन कल बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में आज भले ही कुछ नहीं है लेकिन कल भी कुछ नहीं होंगे, क्लियर। तो ये एक सिंपल सा बेसिक सा फंडा था। तो ये उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से लिया था। अब यहाँ पर मैं कुछ आर्टिकल है उनके बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ों की पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें आर्टिकल 63 की। आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 64 की बात करें तो आर्टिकल 64 कहता है द वाइस प्रेसिडेंट शेल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, है ना। एक हम थोड़ा हल्के पुल के अंदाज में देखें तो अगर उपराष्ट्रपति को अगर राज्यसभा का सभापति न बनाया जाए तो इनके पास कुछ काम नहीं होगा, है ना। केवल राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में किसी कार्यक्रम को अटेंड करेंगे या फिर राष्ट्रपति अगर किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं होंगे तो बस ये केवल उनका हाथ बटाएंगे। तो इसलिए अगर हम हल्के पुल के अंदाज में देखें तो उपराष्ट्रपति को किसी काम में बिजी रखने के लिए राज्यसभा का सभापति बना दिया। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, ये राज्यसभा के सभापति होते हैं लेकिन राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। लोकसभा अध्यक्ष में ये होता है कि लोकसभा अध्यक्ष वही बनता है जो लोकसभा का मेंबर हो। ओम बिरला साहब कोटा से सांसद है, क्लियर। लेकिन जगदीश धनखड़ साहब सांसद नहीं है, क्लियर, ये एक बात याद रखना। फिर बात करें हम आर्टिकल 65 की, तो उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। आर्टिकल 65 ये कहता है कि अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति 6 महीने के लिए राष्ट्रपति के पद को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में धारण करते हैं और ये तब तक धारण करते हैं जब तक कि राष्ट्रपति नया ना चुना जाए, है ना। जनरली ये होता है कि इस दरमियान ही चुनाव आयोग राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न करा लेते हैं और नया राष्ट्रपति चुनने के बाद में ये वापस से अपनी पोस्ट पर आ जाते हैं। एक बात और ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है, क्लियर। वहां पर राज्यसभा का उपसभापति फिर राज्यसभा के सभापति का कार्य देखेगा। राष्ट्रपति होते हुए आप राज्यसभा के सभापति नहीं रह सकते, क्लियर, ये चीजें याद रखना। अब इसके बाद में बात करें आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 यह भी एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में कहता है। देखिए आर्टिकल 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का इलेक्शन लोकसभा और राज्यसभा के सांसद आपको पता होगा दो तरह के होते हैं, नियुक्त किए गए और मनोनीत किए गए। ये दोनों सांसद उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं, क्लियर। यहां पर आप थोड़ा सा एक बेसिक चीज समझो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक बेसिक डिफरेंस है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य, उसमें भी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य प्लस विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, वोटिंग करते हैं, सॉरी। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा का क्या रोल, विधायकों का क्या रोल। तो विधायकों को वोटिंग करने का इसलिए राइट दिया जाता है क्योंकि राष्ट्रपति केंद्र का शासन और राज्यों के शासन दोनों ही राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। क्योंकि आपको मालूम होगा
कि राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, और राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है, केंद्र का प्रतिनिधि होता है, और उसकी नियुक्ति कौन करता है, वो किसके बिहाफ पर काम करते हैं, राष्ट्रपति के बिहाफ पर, ठीक है। इसके अलावा कई केंद्र शासित प्रदेशों का शासन राष्ट्रपति के नाम से होता है, राष्ट्रपति शासन जब लग जाए किसी राज्य में तब भी राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों का शासन चलाया जाता है। तो इस कारण से राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी वोटिंग करने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में राज्यों का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर केवल संसद का ही रोल है। इसलिए यहाँ पर केवल संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस हमने समझ लिया। अब हम आते हैं अगले आर्टिकल पे, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वर्तमान घटनाक्रम को देखते हुए, वो है आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 की बात करें तो ये आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति के टेन्योर के बारे में बात करता है, इनका रेजिग्नेशन की बात करता है, एंड रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल, इनके त्यागपत्र के बारे में बात करता है, इसके अलावा इनको पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में भी बात करता है। अगर हम देखें आर्टिकल 67 को डिटेल में, तो आर्टिकल 67 में वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल दिया गया है 5 साल का। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, और यह तब तक अपने पद पर रहता है जब तक कि इसका सक्सेसर न चुना जाए, क्लियर। यानी कि अगले उपराष्ट्रपति के चुने जाने तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल कार्यकाल कितना होता है, 5 ईयर का, ठीक है। अब इसके बाद में बात करें तो इनका कार्यकाल कब से शुरू होता है, कार्यकाल इनका शुरू होता है जब ये अपने पद को धारण करते हैं, पद के धारण करने से इनकी इनका टेन्योर काउंट होता है। री इलेक्शन एलिजिबल फॉर री इलेक्शन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टर्म, यानी कि अपने कार्यकाल को पूरा होने के बाद में ये वापस से दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ पर दोबारा चुनाव लड़ने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति 2 बार चुनाव, यानी कि 2 बार कार्यकाल के लिए चुने जा सकते हैं, 2 कार्यकाल के बाद में फिर ऑटोमेटिक उनको हटना पड़ता है, क्लियर। ऐसा हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ री इलेक्शन जितनी बार चाहें तब तक लड़ सकते हैं जब तक उनको पार्टियों का सपोर्ट हो, क्लियर। अगर हम देखें पूरे उपराष्ट्रपतियों के कार्यकाल में, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन और हामिद अंसारी, ये 2 ऐसे उपराष्ट्रपति रहे जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए चुने गए। यहाँ पर मैं लिस्ट आपको डिस्कस कर देता हूँ। पहले हमारे उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, भारतीय दर्शन के लिए जाने जाते हैं ये। सेकेंड बार भी डॉक्टर एस राधाकृष्णन ही चुने गए थे, लगातार 2 कार्यकाल था। नंबर 3 पे चुने गए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, नंबर 4 पे वीवी गिरी, नंबर 5 पे जीएस पाठक, नंबर 6 बीडी जत्ती, 7 पे एम हिदायतुल्ला, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे थे ये, राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम कर चुके हैं। आर वेंकट रमन 8वें नंबर पे, 9th नंबर पे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 10th नंबर पे के आर नारायणन, 11th नंबर पे कृष्णकांत। ये 11th नंबर पे जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे कृष्णकांत जी, ये पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो पद पे रहते ही जिनकी डेथ हो गई थी, क्लियर। फिर कृष्णकांत जी के बाद में आते हैं 12th नंबर पे भैरव सिंह शेखावत जी, ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे थे। फिर 13 नंबर पे मोहम्मद हामिद अंसारी, और 14 नंबर पे वापस से रीइलेक्ट हुए थे मोहम्मद हामिद अंसारी। 15 नंबर पर चुने गए थे वेंकैया नायडू जी, और 16 नंबर पे हमारे जगदीश धनखड़ जी। अगर आप पूरी लिस्ट में देखें तो इन उपराष्ट्रपतियों में से कई राष्ट्रपति भी बने, जैसे कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी, जाकिर हुसैन जी, वीवी गिरी जी ये राष्ट्रपति रहे थे, हिदायतुल्ला जी राष्ट्रपति रहे थे, आर वेंकट रमन जी राष्ट्रपति रहे थे, शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति चुने गए थे, के आर नारायणन राष्ट्रपति चुने गए थे। इसके बाद से कोई भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं बना है, क्लियर। तो यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं कि कौन कौन से उपराष्ट्रपति 2 कार्यकाल के लिए चुने गए, किस उपराष्ट्रपति की डेथ अपने कार्यकाल के दौरान हुई थी, कौन से उपराष्ट्रपति थे जो आगे चलकर राष्ट्रपति बने थे, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है, क्लियर। अब हम आते हैं इनके रेजिग्नेशन की प्रोसेस, कि ये कैसे इस्तीफा दे सकते हैं।
देखिए 5 साल का कार्यकाल होता है, 5 साल के कार्यकाल के पहले ये अपने पद से त्यागपत्र भी दे सकते हैं। त्यागपत्र देने का आधार एक ही होता है, देखिए 5 साल के कार्यकाल को समाप्त करने के पहले ये अपने पद से त्यागपत्र भी दे सकते हैं। और त्यागपत्र किसे देंगे, तो राष्ट्रपति को संबोधित करके ये अपना त्यागपत्र देंगे, ठीक है। तो इनका रेजिग्नेशन कैसा होगा, द वाइस प्रेसिडेंट मस्ट सबमिट ए रिटर्न रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये केवल राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र दे सकते हैं, और राष्ट्रपति को अगर त्यागपत्र देना हो तो वो उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। फिर इसके बाद में जैसे ही रेजिग्नेशन इनका त्यागपत्र स्वीकार हो जाता है तो वैसे ही क्या है, इनकी पोस्ट वैकेंट हो जाती है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि वाइस प्रेसिडेंट तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि कोई इनका अगला उत्तराधिकारी उपराष्ट्रपति की पद पर ना आ जाए, क्लियर। चलिए अब डिस्कस करते हैं आर्टिकल 67B को। आर्टिकल 67B उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की पूरी प्रक्रिया का जिक्र करता है। आर्टिकल 67B कहता है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए पहले राज्यसभा में एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, और ये प्रस्ताव इफेक्टिव मेजोरिटी के द्वारा पारित होगा। इफेक्टिव या जिसे हम हिंदी में बोलेंगे प्रभावी बहुमत। देखिए बहुमत दो तीन तरह के होते हैं, एक होता है साधारण बहुमत, जिसका मतलब ये होता है कि सदन में जितने उपस्थित सदस्य हैं उनके बहुमत के द्वारा फैसला होता है। एक होता है प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत का एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं बताता हूँ प्रभावी बहुमत क्या होता है। देखिए अगर मान लीजिए कि 200 सदस्यों का एक सदन है, 200 सदस्यों का एक सदन है, तो यहाँ पर 200 सदस्य अगर मान लीजिए उपस्थित है तो साधारण बहुमत होगा 101, क्लियर। लेकिन अगर हम प्रभावी बहुमत की बात करें तो 200 सदस्यों का सदन है लेकिन उसमें इलेक्टेड मेंबर अभी फिलहाल में कितने हैं, 160, तो प्रभावी बहुमत होगा कितना, 80+1 मीन्स 81, ये प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत का मतलब ये होता है कि उसमें जितने एब्सेंट सदस्य हैं उनको अलग हटा दिया जाता है, और जितने सदस्य प्रेजेंट है उसके आंकड़ों पर आधारित होकर बहुमत का फैसला होता है, क्लियर। तो यहाँ पर आप इफेक्टिव मेजोरिटी समझ गए। इफेक्टिव मेजोरिटी में ये रहता है कि एब्सेंट सदस्यों को अलग हटा दिया जाता है, जितने सदस्य अभी वर्तमान में है उनको ही काउंट किया जाता है। साधारण बहुमत का मतलब समझ गए, साधारण बहुमत में कि टोटल उपस्थित सदस्यों में से बहुमत के आधार पर फैसला होना। वहीं हम बात करें स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी या विशेष बहुमत की बात होती है, तो विशेष बहुमत का मतलब ये होता है कि किसी भी सदन में 2/3 मेजोरिटी का होना, उपस्थित सदस्यों के 2/3 मेजोरिटी के द्वारा फैसला होना, क्लियर। तो यहाँ पर आप दो तीन चीजें समझ गए, प्रभावी बहुमत किसे कहेंगे, साधारण बहुमत किसे कहेंगे, और स्पेशल मेजोरिटी या विशेष बहुमत किसे कहेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर आर्टिकल 67B कहता है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए प्रभावी बहुमत से, और उस प्रस्ताव को लोकसभा में भी साधारण बहुमत के द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। अगर ये प्रक्रिया हो जाती है तो इसके बाद में उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, क्लियर। यहाँ पे समझ गए, राज्यसभा में पहले प्रस्ताव पारित करना है इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ में, फिर उसका लोकसभा में साधारण बहुमत से सिंपल मेजोरिटी से क्या करना है, अप्रूवल लेना है, और अप्रूवल लेने के बाद में फिर राज्यसभा यानी कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, क्लियर। अब हम बात करें इसकी प्रोसेस, तो ये प्रस्ताव देने की ऐसा नहीं है कि जगदीश धनखड़ जी के खिलाफ विपक्षी सांसद रुष्ट हो गए तो भैया कि आज के आज ही लेके आ गए, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए एक चीज़ और संविधान में कही गई है कि ये प्रक्रिया शुरू होने के पहले 14 दिन का पहले नोटिस देना पड़ेगा, यानी कि बिना 14 दिन के नोटिस के पहले ये प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। इसके अलावा इस तरह के प्रस्ताव में राज्यसभा के कम से कम 20% सदस्यों के साइन भी होना जरूरी है। अभी के फिलहाल के घटनाक्रम में देखें तो विपक्ष के 87 सांसदों ने इस पर सिग्नेचर कर दिए हैं,
तो इसलिए इसको, इस प्रस्ताव को एडॉप्ट कर लिया जाएगा, क्लियर। लेकिन इसके लिए पहले उन्हें 14 दिन का नोटिस भी देना पड़ेगा, क्लियर। फिर नोटिस देने के बाद में राज्यसभा में प्रक्रिया शुरू होती है, और राज्यसभा में विचार विमर्श होने के बाद में फिर इसमें वोटिंग होती है, और वोटिंग के लिए मैंने बता ही दिया आपको क्या कौन सी मेजोरिटी चाहिए, इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी यानी कि पर्टिकुलर सदन में कितने मेंबर्स अवेलेबल है उनके मेजोरिटी के आधार पर यह फैसला होगा, ठीक है। राज्यसभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद में फिर लोकसभा अगर इसको, इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत के साथ पारित कर देती है तब फिर इनको हटा दिया जाता है, क्लियर। अब अगर हम देखें तो वर्तमान घटनाक्रम में देखें तो राज्यसभा में भले ही एनडीए के पास बहुमत नहीं है, लेकिन लोकसभा में एनडीए फुल बहुमत में है, तो एक तरह से तो ये प्रस्ताव अगर एडॉप्ट कर लिया जाता है तो गिरना इसका तय है। लेकिन कहीं ना कहीं मॉरल ग्राउंड में जगदीश धनखड़ जी की इमेज जरूर गिर जाएगी इससे, और ये एक तरह का एक मैसेज होगा जो कि जगदीश धनखड़ जी को काफ़ी हानि पहुंचाएगा। तो इसलिए आज के इस लेक्चर में हमने इस पूरी प्रोसेस को समझा, हमने सबसे पहले वर्तमान घटनाक्रम को समझा, साथ ही साथ भारतीय संविधान के बारे में बात करी, आर्टिकल 63, 64, 65, 66, 67 के बारे में डिटेल में देखा, उपराष्ट्रपतियों के लिस्ट के बारे में हमने पूरा जिक्र किया। तो आशा करता हूँ कि मेरा लेक्चर आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम फिर तैयार होकर आपके सामने आते हैं। अगर ये आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए। थैंक यू। फॉर मोर डिटेल्स एंड नॉलेज कॉन्टैक्ट अस एंड डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। थैंक यू।